नहीं, बहुत लेकिन ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि पिछले 2 साल से जो है कोरोना ने सबको घरों में बंद कर रखा था, तो जो उत्साह रह गया था वो हमने इस साल अपना पूरा निकाल लिया समझ लीजिए। तो काफ़ी उत्साह है इस बार, तो शुरू से ही हमने कहा था कि बिठाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी हो गया है काफ़ी हद तक, हम लोग अब थोड़ा सेफ़ भी महसूस कर रहे हैं, केसेस भी कम हुए हैं, तो अब वैसे भी काफ़ी दुनिया खुल चुकी है, तो ये सोचा कि इस बार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे 2002 में की थी है ना, शादी के बाद ही था उस साल से ही, मतलब उस साल से ही, और उस समय हम वनराई कॉलोनी में रहते थे जहाँ पर हमारा 180 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा अभी भी है वो, तो वहाँ पर से हमने शुरुआत की थी ये। लेकिन फिर भी अभी भी देखिए बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट ने मना किया है कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं या हाँ कोई जी, प्रोसेशन नहीं सकता, उसके लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि अभी अगर हम पूरा रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि अगर हम प्रिकॉशंस का पालन करते हुए अपना उत्साह भी कायम रखें तो बेहतर है। मैं आपसे चाहूँगा घर पे रहना किसी आर्टिस्ट को भी, सर जैसे आर्टिस्ट जो काफ़ी बिजी रहते हैं। वैसे तो बहुत कम वक्त हाँ मिलता है इनका घर पर, लेकिन गणपति बप्पा के वक्त में ना इनका, इनको पता है हमारी डील हुई थी शादी के पहले ही कि जब मैं सिद्धिविनायक बहुत रेगुलर थी, मैं एवरी ट्यूसडे मैं सिद्धिविनायक जाती थी, जैसे सगाई हुई तो मैं इनको भी लेके जाना मैंने शुरू कर दिया, और हम सिद्धिविनायक के सामने उस वक्त बैठने की जगह होती थी मंदिर के एकदम सामने ही, तो हम वहाँ बैठते थे काफ़ी देर बात करते थे, तब मैंने कहा था शादी के बाद हम बप्पा लाएंगे घर पे, तो अगर है मुझे तो बोली है तो शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं वो जोक था, लेकिन इनको भी इतना अच्छा लगता था बप्पा के पास जाना, तो इन्होंने तभी तुरंत कहा कि हम बप्पा घर लाएंगे, तब से हम ला रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत वक्त दिया है, जब भी मौका मिला है, पहले 1.5 दिन के थे, अभी 5 दिन के कारण पापा हैं, लेकिन अब क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, थर्ड वेव का डर जो है, तो अब टाइम कम मिलता है, सो जितना भी समय इनको मिलता है बप्पा के वक्त में ये घर पे ही रहते हैं, हार्डली आते हैं कहीं, तो इनका होना बप्पा के साथ मतलब आई फील कि वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि अगर हम फैमिली साथ में मनाएं त्यौहार, आई मीन उनका गणपति चतुर्थी जो है हमारी है, तो वो मज़ा आता है, अदरवाइज़ इनका वेट करना पड़ता है, इनसे फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, और ये मिस करते हैं तो वो बहुत दुख भी होता है, तो ये 2 दिन इस बार साथ में हमारे हैं, इत्तेफाक से मिल गए मेरे को 2 दिन, इससे बड़ी बात और क्या होगी, हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। नहीं मैं तो 100% हूँ इनके इसमें, इंडस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट मेरा है रहा है, अब पता नहीं इनका क्या है मेरे साइंस के इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल है, क्योंकि मैं साइंस में सबसे कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस से मुझे एलर्जी थी, मैथ सॉरी से, तो ये है तो मुझे लगा कि चलो यार कोई तो है जिसने कला के पक्ष को भी समझा, और ऐसा समझा कि मतलब बाप रे ज़बरदस्त। हाँ, आई विल ऑलवेज़ ब्लाइंडली लव यू जो अमित मिश्रा जी ने गाया है, वो लॉन्च हुआ था, हाँ कार्निवल वन ने लॉन्च किया था, और काफ़ी मज़ा आया था उसे भी शूट करने में, मेरे लिए एक ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस था कैमरा के सामने। और रही बात बप्पा की, तो बप्पा तो जब भी आते हैं एकदम घर में चमक, अलग ही चमक लाते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ और उनकी पूजा करने में। फ़िलहाल तो मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, ब्रांड शूट्स कर रही हूँ, और अभी मैं अभी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ और थोड़ा फिटनेस में भी अभी ध्यान दे रही हूँ। अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, एंड अभी मैं पूरी तरीके से स्टडीज़ पर फोकस कर रही हूँ, और उसके साथ ही साथ मेरी हॉबीज़ डांसिंग एंड एक्टिंग है, मुझे डांसिंग भी बहुत पसंद है, इंस्टा पर रील्स भी पोस्ट करती हूँ, पापा के साथ भी, दीदी के साथ भी और मम्मा के साथ भी, यूट्यूब चैनल पे कुकिंग करती हूँ। देखिए हर महिला को जो भी है उनको आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है जैसे एक पुरुष को है, तो हम थोड़े से खुले दिमाग के आदमी हैं, हमारी सोच वो वाली नहीं है, मैं चाहूँगा कि अगर वो आगे जाना चाहती हैं उन्हें बिल्कुल अधिकार है, पूरा अधिकार है जाने का, लेकिन जैसे मैंने इसमें जो है वो ये पहले मैं नहीं सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एक वीडियो लॉन्च हुई थी जो सारेगामा वालों ने प्रोड्यूस की थी, तो जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और राजकुमार हिरानी तक ने इसके लिए मैसेज दिए कि रोहित यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर टैलेंट, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये कीड़ा है तो इसको जेन्युइनली जो है वो फॉलो करने देना चाहिए, तो अभी अगर ये एक्टिंग का कीड़ा है और जेन्युइनली होगा तो मैं आगे ज़रूर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा लगता है हमें, हम कई बार के मुगालते पाल के भी चलते हैं जो, तो वो ना हो और जेन्युइनली हो तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रास्ते भी खुद ब खुद खुलते हैं, लेकिन सिद्धि बहुत ज़रूरी है, सिद्धि उसके बाद प्रसिद्धि। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे, क्यों, और हमें बहुत सारी वेब सीरीज़ के भी ऑफर है, लेकिन हम एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं लगभग 25 दिन महीने के,
तो अभी मेरे को एक नेटफ्लिक्स का भी एक वेब सीरीज़ का ऑफ़र था, लेकिन हम क्या करें, 45 दिन के लिए जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर जाना चाहूँगा। और इवन हम प्रोड्यूस भी करेंगे, हम वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करेंगे, अभी जल्दी आपको पता चलेगा। तो वो भी हो जाएगा। हाँ, Z5 पे हम करने जा रहे हैं अभी।